तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी टेक्निकल वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टीलुंगू की एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे किया जाता है, इस एप्लीकेशन में टेस्ट कैसे दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने इस टीलुंगू की एप्लीकेशन में अपना अकाउंट नहीं बनाया है या फिर आपको इस एप्लीकेशन में अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप इस एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसको आप देख लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में जो टीलुंगू का एप्लीकेशन है आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेस्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि अभी यूनिट 8 है, यानी कि इस एप्लीकेशन का जो मेन यूज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट के जरिए आप यहाँ पर अपना इंग्लिश सुधार सकते हैं। सो मेरे केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक का जो भी टेस्ट होता है उन सभी टेस्ट को कम्प्लीट कर चुका हूँ, जिसके कारण मुझे अब यहाँ पर यूनिट 8 दिखा रहा है। सो इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में कॉर्नर में एक फ्लैग टाइप का आइकन है। सो इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पर इंग्लिश दिखाई दे रहा है। सो अगर आप यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस सीखेंगे तो आपको यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस दिखाई देगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग के जस्ट बगल में एक फायर टाइप का आइकन दिया हुआ है। सो इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 3 दिन शो कर रहा है क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को 3 दिन से यूज़ करना स्टार्ट किया है। और आप यहाँ पर जितने भी दिन से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं उतना दिन आपको यहाँ पर शो करेगा। और इस फायर टाइप के आइकन के जस्ट बगल में एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में अभी 485 पॉइंट मिला हुआ है जो कि इस एप्लीकेशन में टेस्ट वगैरह देने के बाद मिलता है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं सबसे नीचे में एक होम टाइप का आइकन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है होम का। इस होम वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ऐसे ही करके बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। सो आप इन सभी टेस्ट को एक एक करके दे सकते हैं। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई टेस्ट देना है, तो टेस्ट देने के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 8 का एक टेस्ट इनकम्प्लीट है। सो इस टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है शुरू करे का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद दोबारा से शुरू करे का ऑप्शन जो है नीचे में, इस पर आप दोबारा से क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद ये जो टेस्ट है आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसको मुझे इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है इस वाक्य का अनुवाद करें। सो अब आपको यहाँ पर इसका ट्रांसलेट करना है। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सो इसको आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लीजिए, जैसे कि इज़ योर बॉस नाइस, तो इसका मतलब होता है क्या तुम्हारा बॉस अच्छा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है क्या है, उसके बाद तुम्हारा का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक ऑप्शन है बॉस का, उस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर एक अच्छा है उसके बाद लास्ट में है, तो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से जो भी इसका ट्रांसलेट बन रहा है उसको आप अरेंजमेंट कर दीजिए एंड इसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है चेक करेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपका आंसर सही है या गलत ये आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में आंसर सही है एंड इसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है जारी रखेगा। सो आप दोबारा से इस जारी रखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद टेस्ट का जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने में ओपन हो जाएगा। और ये टेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी अनुवाद का है, यानी कि इस टेंस सेंटेंस को भी मुझे ट्रांसलेट ही करना है। सो कुछ इस तरह से आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आप अपने हिसाब से जो भी इसका आंसर निकल रहा है उस आंसर को आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिए एंड इसके बाद चेक करेगा जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड ऐसा करने के बाद जब आप इन सभी क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लेंगे तो देन आपका जो टेस्ट है वो कम्प्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद आपके सामने में नया टास्क जो है, नया यूनिट है, वो आपके सामने में ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर टीलुंगू की एप्लीकेशन में जो भी टेस्ट है उन सभी टेस्ट को आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो मैं अभी यहाँ पर इन सभी टेस्ट को अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ और इस टेस्ट को मैं कभी और दे दूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम टैब के जस्ट बगल में
एक ऑप्शन है कंपटीशन का, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई भी कंपटीशन मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। एंड इसी कंपटीशन के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है प्रोफाइल का। सो इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। एंड इस प्रोफाइल में आपने जो भी चीज़ें फिल की है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे मेरा नेम शो कर रहा है और उसी के जस्ट बगल में मेरा जो भी प्रोफाइल पिक है वो शो कर रहा है जो कि अभी सेट किया हुआ नहीं है। सो आप यहाँ पर ये जो पेंसिल टाइप का आइकन है इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपकी जो फोटो का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करके आपका जो भी फोटो है अपनी गैलरी में से निकाल करके आप उसको सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लैग के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है दोस्तों को जोड़ेगा। सो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसके जरिए आप किसी भी फ्रेंड वगैरह को ये जो ऐप है इस ऐप का लिंक शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद आपका फ्रेंड इस एप्लीकेशन में लॉगिन वगैरह कर सकता है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी के जस्ट बगल में नीचे में एक ऑप्शन है अपनी प्रोफाइल पूरी करेगा। सो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल में जो भी मिसिंग चीज़ें हैं जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट है उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसके बाद नीचे में आपका जो भी एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन में आपने जो भी चीज़ आपको मिला है जो भी बेनिफिट है आपका जितना भी पॉइंट वगैरह है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेंगे। जो भी एक्टिविटीज़ है वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से आपको शो करेगी इसी के जस्ट नीचे में। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डीलोंगो की एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का यूज़ करके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी दूसरे वीडियोस में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।